व्हाट्सअप। सो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है इंग्लिश में अपन गुस्से में जो सेंटेंस बोलते हैं, गुस्से में जो गाली वगैरह देते हैं, गुस्से में बोले जाने वाले मतलब, ठीक है, उस समय जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जो भी अपन यूज करते हैं अपने फ्रेंड से, किसी से भी बोलते हैं, गुस्से में आके किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको अपन इंग्लिश में कैसे बोले वो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश में हम गुस्से के सेंटेंस कैसे बोले, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, बोलते ना यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो व्हाट्स रॉन्ग हैव इट डन, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन। सेकंड है कि बकवास करना बंद कर, कोई बोलता ना यार बहुत ज़्यादा हो गया, बकवास करना बंद कर, तो स्टॉप नॉनसेंस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टॉप नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी क्या होता है, बकवास करना, ठीक है, NONSENSE, नॉनसेंस यानी बकवास करना, ठीक है, स्टॉप यानी रोक बंद करना, तो स्टॉप नॉनसेंस, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, सेकंड ऐसे स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, ठीक है, तो बकवास करना बंद कर, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे चल हट, अपन बोलते हैं ना चल हट, बहुत हो गया अब चल हट, दफ़ा हो जाए यहाँ से, चल हट दफ़ा हो जाए यहाँ से, तो गेट अवे फ्रॉम हियर, चल हट दफ़ा हो जा, गेट अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है यहाँ क्या, सॉरी ये क्या बदतमीजी है, अपन बोलते ना ये क्या बदतमीजी है, तो व्हाट द हेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा गुस्सा मत दिला, बोलते ना बहुत देर हो गई अब मुझे गुस्सा मत दिला मुझे, तो डोंट मेक मी एंग्री, एंग्री होता है गुस्सा, ठीक है, ANGRY, एंग्री यानी गुस्सा, तो डोंट मेक मी एंग्री, गुस्सा मत दिला मुझे। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, DARE, डेयर यानी हिम्मत होती है, ठीक है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। नेक्स्ट है मतलब पतली गली पकड़ और निकल यहाँ से, अपन बोलते ना पतली गली से निकल ले, अब पतली गली पकड़ और निकल यहाँ से, तो गेट अवे फ्रॉम हियर, ठीक है, गेट अवे फ्रॉम, ये भी बोला था चल हट दफ़ा हो जा, इसका भी यही हो जाएगा गेट अवे फ्रॉम हियर, और पतली गली पकड़ यहाँ से निकल, इसका भी यही होगा गेट अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है मेरी चुगली मत कर, कई लोगों की होती है ना चुगली करने की आदत होती है, बोला मेरी चुगली मत करो, तो डोंट डू माई बैक बीटिंग होता है चुगली करना, ठीक है, तो डोंट डू माई बैक, बैक होता है पीठ पीछे ना, पीठ पीछे किसी की चुगली करना, तो डोंट डू माई बैक बीटिंग, मेरी चुगली मत करो। नेक्स्ट हो जाएगा थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा, अपन बोलते ना बहुत हो गया अब थोबड़ा तोड़ दूंगा या मुंह तोड़ दूंगा तेरा, तो इसका क्या हो जाएगा, आई विल स्मैश योर फेस, स्मैश होता है तोड़ना, ठीक है, तो स्मैश यानी तोड़ना, आई विल स्मैश योर फेस, थोबड़ा तोड़ दूंगा तेरा, मुंह तोड़ दूंगा, दोनों का एक होगा आई विल स्मैश योर फेस। नेक्स्ट है दिमाग नहीं है क्या तेरे में, अपन बोलते हैं दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल ही, तो आर यू ऑफ माइंड, दिमाग नहीं है क्या, आर यू ऑफ माइंड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अपना जैसे हरामी की औलाद, अपन बोलते हैं ना हरामी की औलाद, तो हरामी की औलाद इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सन ऑफ बिच, या फिर कुतिया की औलाद ऐसे भी बोलते हैं, तो सन ऑफ बिच, ठीक है। फिर बोलते हैं घटिया इंसान है बिल्कुल, तो घटिया इंसान का मीनिंग क्या यूज करेंगे अपन, घटिया इंसान के लिए एस होल, ठीक है, एस होल यानी घटिया इंसान। फिर बोलते कई बार बोलते यार बेकार इंसान है बिल्कुल बेकार, तो शक यानी बेकार होना, ठीक है, शक यानी होता है बेकार, SUCKS, शक यानी बेकार। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा औकात में रह अपनी, अपन बोलते हैं ना अपनी औकात में रह, तो बी इन योर लिमिट, औकात में रह अपनी। नेक्स्ट है
खानदानी पागल है क्या तू? अपन बोलते हैं खानदानी पागल, मतलब इसका मतलब हो गया कि पूरा खानदानी पागल है क्या? तो ब्लडी फूल, ब्लडी फूल, ब्लडी फूल, खानदानी पागल है क्या तू? ब्लडी फूल, ब्लड होता है खून, मतलब पूरे खानदान का खून एक होता है, तो पूरा खून ही मतलब पागल है क्या? तो ब्लडी फूल, खानदानी पागल है क्या तू? नेक्स्ट है, क्या अनाप शनाप बकरा है? अपन बोलते ना क्या अनाप शनाप बकरे है, बकरा है, बकरे हो, इसका हो जाएगा वॉट रबीस, वॉट रबीस यू आर टॉकिंग अबाउट, वॉट रबीस यू आर टॉकिंग अबाउट, वॉट रबीस यू आर टॉकिंग अबाउट, रबीस होता है बकना, ठीक है, यू आर टॉकिंग, टॉकिंग यानी होता मतलब बकना, सॉरी टॉकिंग यानी बोलना, अबाउट यानी बारे में, ठीक है, तो वॉट रबीस यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या अनाप शनाप बक रहे हो। नेक्स्ट भाड़ में जाओ, अपन बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, तो गो टू हेल, गो टू हेल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं गो टू द डॉग्स, ये idiom है, गो टू द डॉग, गो टू द डॉग, गो टू द डॉग, भाड़ में जाओ। नेक्स्ट हो जाएगा मुझे क्या मेरी ओर से तो भाड़ में जाओ, ऐसे अपन ऐसे बोलते हैं मुझे क्या मेरी ओर से तो भाड़ में जाए, तो आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, लेट हिम गो टू हेल, लेट हिम गो टू हेल, लेट हिम गो टू हेल, एच ई डबल एल, हेल होता है भाड़ में, ठीक है, तो मुझे क्या मेरी ओर से भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर, लेट हिम गो टू हेल। नेक्स्ट हो जाएगा मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, मैं बोलते ना मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी या उधेड़ दूंगा, तो इसका हो जाएगा आई विल स्किन यू अलाइव, आई विल स्किन यू अलाइव, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, आई विल स्किन यू अलाइव। नेक्स्ट बस बहुत हुआ, अपन बोलते हैं ना अब बस बहुत हो गया, तो इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, ई एन ओ यू जी एच, इनफ यानी बहुत हुआ, ठीक है, तो इन बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। नेक्स्ट है अपनी जबान को लगाम दे, अपनी जबान को, अपनी जबान को लगाम दो, तो रेन रीन योर टंग, रीन योर टंग अप, रीन योर टंग अप, रीन योर टंग, टंग अप, रीन योर टंग अप, अपनी जबान को लगाम दो। नेक्स्ट है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो यू आर ऑफ योर हेड, यू आर ऑफ योर, यू आर ऑफ योर हेड, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यू आर ऑफ योर हेड। फिर नेक्स्ट है जैसे दो मुँह आदमी होता है, दो मुँह की बात मत करता है, जैसे इधर क्या उधर क्या, इधर अलग बात बोलता है उधर अलग बात बोलता है, तो दो मुँह के आदमी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टू फेस, टू फेस, मुँह को क्या बोलते हैं, टू फेस, टू फेस यानी दो मुँह, दो मुँह का जो आदमी होता है दो मुँह की बात करता है, टू फेस्ड। फिर है घमंडी, जो घमंडी आदमी बोलता है वो होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एरोगेंट, क्या बोलते हैं, एरोगेंट, ए डबल आर ओ जी ए एन टी, एरोगेंट होता है जो घमंडी होता है उसको, एरोगेंट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे असली बात पर आ, अपन बोलते हैं ना अपनी असली बात पर आ, तो कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, असली बात पर आ। नेक्स्ट मनगढ़ंत कहानी मत बना, अपन बोलते हैं किसी से अपने मन से ही कहानियाँ मत बना, तो मनगढ़ंत कहानी मत बना, डोंट कुक अप ए स्टोरी, डोंट कुक अप ए स्टोरी, डोंट कुक अप ए स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी मत बना। नेक्स्ट दफ़ा हो जाए यहाँ से, बोलते ना दफ़ा हो जाओ, अब बहुत हो गया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। नेक्स्ट है मुझे अपना चेहरा फिर से मत दिखाना, मुझे अपना चेहरा फिर से मत दिखाना, तो डोंट सो मी योर फेस अगेन, डोंट सो मी योर फेस अगेन, सो यानी दिखाना, अगेन यानी दोबारा, ठीक है, फेस यानी चेहरा, तो डोंट सो मी योर फेस अगेन, मुझे अपना चेहरा फिर से मत दिखाना। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे कोई गंवार इंसान होता है, अपन बोलते ना गंवार इंसान है, बिल्कुल ही बात करने की तमीज़ नहीं है, गंवार इंसान, तो गंवार को क्या बोलते हैं, ब्लडी योकल, ब्लडी योकल, ब्लडी योकल, ठीक है, यानी गंवार इंसान। फिर अब फट्टू, अपन बोलते हैं ना फट्टू कहीं का, तो फट्टू को बोलते हैं टिमिड, टी आई एम आई डी, टिमिड यानी फट्टू, टिमिड यानी फट्टू, टी आई एम आई डी, टिमिड यानी फट्टू। नेक्स्ट है सनकी, सनकी को क्या बोला जाता है, जैसे आर यू सैनिक, आर यू सैनिक, सी वाई एन आई सी, सैनिक यानी होता सनकी,
आर यू सैनिक, क्या तुम सनकी हो, तो सनकी को बोलते हैं सी वाई एन आई सी सैनिक। फिर नेक्स्ट है जैसे अपन बोलते हैं कमीना या कमीनी, अपन वो वर्ड यूज करते रहते हैं, जैसे कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते रहते हैं एक दूसरे को कमीना कमीनी, तो इनको क्या बोलते हैं कनिंग, क्या बोलते हैं कनिंग, सी यू डबल एन आई एन जी, कनिंग यानी होता है कमीना या कमीनी, ठीक है, कनिंग यानी कमीना। फिर है सटकू इंसान, तो सटकू को क्या बोला जाता है, बिल्कुल सटक रहा है क्या इंसान, बोलते हैं ना सटकू, इसका सटका हुआ है भाई, इससे पंगा मत लेना, तो सटकू इंसान को क्या बोला जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, एस एच ओ आर टी शॉर्ट टी ई एम पी ई आर ई डी, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है सटकू इंसान, जिसका सटका हुआ रहता है। फिर नेक्स्ट है आफत की पुड़िया, बोलते ना यार ये तो आफत की पुड़िया है, तो इसका हो जाएगा पेंड्रास बॉक्स, पी ए एन डी आर ओ ए पी ए एन डी ओ आर ए एस, पेंड्रास बॉक्स होता है आफत की पुड़िया। फिर नेक्स्ट है मोटा सांड को क्या बोला जाता है, फटास, एफ ए टी ए डबल एस, फटास यानी मोटा सांड, फटास यानी मोटा सांड, तो आज से ये बोलना फटास मोटा सांड। फिर है जैसे मुसीबत वाला, कोई बोलते ना ये तो मुसीबत है, मुसीबत लेके आता है साथ में, तो मुसीबत वाला, तो उसको बोलते हैं ट्रबल मेकर, मुसीबत वाला को क्या बोलते हैं ट्रबल मेकर, टी आर ओ यू बी एल ई, ट्रबल मेकर यानी मुसीबत वाला, ट्रबल मेकर। नेक्स्ट है डिंगे मारू, डिंगे मारता रहता है जो बड़ी बड़ी फेंकता है, डिंगे मारू, इसको बोलते हैं ब्रेगार्ट, बी आर ए डबल जी ए आर टी, ब्रेगार्ट होता है डिंगे मारू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ गुस्से से संबंधित कुछ सेंटेंस थे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू सो मच।